नमस्कार दोस्तों, जी के रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। सीटी के सिलेबस को लेकर चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू में क्या बताया है, उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सीटी का हमारा एग्जाम हो तो हम अपना सिलेबस पहले ही डिस्प्ले करें कि हमारा इस तरह का सिलेबस होगा। तो सिलेबस तो उसमें रामकली जी, अगर हम ये कहेंगे कि जनरल नॉलेज है या करंट अफेयर है या हिस्ट्री है, तो उसमें तो सारा विश्व शामिल हो गया। आप ये कैसे कह सकते हो कि आपने ये नहीं बताया? एसएससी में भी अगर आप पूरा सिलेबस देखें तो अगर उस सिलेबस के अंतर्गत क्या है तो उसमें सारे विश्व की जानकारी समाहित हो जाती है। कैंडिडेट के ऊपर है कि उसका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आपका मैथ अच्छा है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी है। तो आपका ठीक है आपका सवाल, हम आगे से कोशिश करेंगे कि जो सीईटी है या अगले एग्जाम है हम उसका पाठ्यक्रम एक निर्धारित फ्रेम में लेके आए, क्योंकि अभी तक जो है इसमें सरकार के लेवल पे ही थोड़ी विषमताएं थी, क्योंकि सरकार के हर विभाग की जो रिक्रूटमेंट का एक्ट है और उनके सर्विस रूल है वो अलग अलग है। अभी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिख के कहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उनके सर्विस रूल एक जैसे हो जाए और उनका रिक्रूटमेंट का जो फार्मूला है वो एक जैसा हो जाए, जिसमें समरूपता हो, ताकि हमने एग्जाम कंडक्ट कराने में ये जो बातें सुनने को मिलती है ये ना मिले, और हमारी बात को सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। तो दोस्तों, आपने सुना कि इस पर काम चल रहा है, सरकार को इसके बारे में बताया गया है और इस पर काम किया जाएगा। तो इसी तरह की लगातार अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल थी तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।